हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, दवाई जिंदा हॉस्पिटल का स्वागत है। देश के अंदर लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और हमारे शहर में भिवंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में छठे फेज में पोलिंग होगी, मतदान होगा 20 मई को। और इसके लिए आप अगर मतदान करने के लिए जाते हैं तो इसके लिए सबसे आवश्यक चीज़ है, वो है आपका आईडी कार्ड। और उसमें अगर वोटर आईडी कार्ड है तो बहुत ही अच्छी बात है। बहुत से लोगों ने वोटर आईडी कार्ड बनाया है लेकिन उनके कार्ड अब तक के आए नहीं है। और अगर कार्ड नहीं आए तो उसको किस तरह से हासिल करें, आप ऑनलाइन किस तरह से अपने कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, ये हम आपको आज के इस वीडियो में बताएंगे। तो वोटर आईडी ऑनलाइन कैसे डाउनलोड करें, तो आपको हम स्टेप बाय स्टेप जो है वोटर आईडी डाउनलोड करने का तरीका बताएंगे अपने मोबाइल फ़ोन से ही। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जाइए। उनकी वेबसाइट है www.eci.gov.in। इस पर जाके आप लॉगिन कीजिए। इसके बाद फिर मेनू सेक्शन पर जाइए। मेनू सेक्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको एक ई एपिक डाउनलोड को सिलेक्ट करना है। और ई एपिक डाउनलोड सिलेक्ट करने के बाद में चौथा स्टेप होगा कि आपके स्क्रीन के ऊपर नया पेज खुल जाएगा और उस नए पेज के ऊपर आपको हर तरह के ऑप्शन नजर आएंगे, जिसमें आपको इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है। और नीचे स्क्रॉल करते हुए आपको सर्विस सेक्शन में जाना है। सर्विस सेक्शन में जाने के बाद में आपको ई एपिक डाउनलोड पर दोबारा क्लिक करना है। इसके बाद आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस या एपिक नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड ये भरने के बाद में आप रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक कीजिए। जैसे आप रिक्वेस्ट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी नंबर आएगा, जिसके बाद आप वेरीफाई करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में एपिक नंबर के साथ स्टेट सेलेक्ट करने के बाद सर्च पर क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा जिसमें आपको डाउनलोड एपिक पर क्लिक करना है। इसके साथ ही आपके फोन पे पीडीएफ फॉर्मेट में एक डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस डाउनलोडेड वोटर आईडी कार्ड का आप कलर प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं और इसके अंदर इसका एक डिजिटल कार्ड भी बना सकते हैं। तो दोस्तों, आप अपना वोटर आईडी डाउनलोड करें और अपना जो अधिकार है, जो अपना वोट देने का हक है, उसे जरूर पूरा कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाइए ताकि आप अपना आने वाला भविष्य खुद चुन सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो भी इस वीडियो से फायदा हासिल कर सके और हमारे साथ बने रहे। मैं फिरोज मेमन, द वॉइस न्यूज़ से। थैंक यू। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर में साल 2024-25 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। एनएसआईटी भिवंडी की पहली ऐसी क्लासेस है जहां स्टूडेंट्स को थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल पढ़ाया जाता है, जिसका नतीजा ये था कि पिछले साल 12th के रिजल्ट्स में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में टॉप किया था। एनएसआईटी क्लासेस में बोर्ड की आंसर शीट पर बच्चों को प्रैक्टिस कराई जाती है, जिनसे उनका डर दूर हो। बच्चों की सेफ्टी के लिए हर जगह सीसीटीवी कैमरा और अटेंडेंस के लिए बायोमेट्रिक्स इंस्टॉल है। साथ ही यहाँ कंप्यूटर कोर्सेज भी है और एनएसआईटी की कोई दूसरी ब्रांच नहीं। एनएसआईटी क्लासेस ने साल 2008 में अपना सफर शुरू किया था और अब तक कई टॉपर्स यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। एनएसआईटी एजुकेशन सेंटर, अबव एक्सिस बैंक एटीएम, नियर असरार होटल, दरगाह रोड, भिवंडी।